मन जहां आप रहते हैं, जो शायद आप ही माने बैठे हो अपने को, यद्यपि आप मन नहीं है, तो जो अपने को सोचे बैठे हो, आप जानना चाहेंगे आप क्या हो जाते हैं? सोचते सोचते आप वो हो जाते हैं जो आप होना नहीं चाहते, हो गए आप। कभी कभी सोचते सोचते वो हो गए, और आप इतना सोच बैठते हैं वो नकारात्मक या वो विधेयक, वो नकारात्मक या सकारात्मक, या वो विधेयक या वो प्रतिकूल। सोच मन तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। इसलिए वेद का पहला आदेश है कि एक काम कर लिया जाए कि सवेरे मन को शुभ संकल्प से भावित कर लिया जाए। एक बात ध्यान से सुनना, ये मन मरम्मत करके ठीक कर लिया जाता है, जैसा बनाना चाहो वैसा बन जाता है, जैसा आकार देना चाहे, जैसा रूप देना चाहे, जैसा आप चाहे वैसा बन सकता है। इसे मन, और जहां मन स्वस्थ नहीं है, जहां मन में अवसाद है, भय है, घृणा है, उपेक्षा है, ईर्ष्या है, आवेश है, क्रोध है, अत्यंत अभाव और दैन्य है, ध्यान रखना वहां तन भी सुंदर नहीं होता। बहुत दिन तक तन की सुंदरता सहेज के रखी नहीं जा सकती। इसे भैया अगर झुर्रियां भगानी हो, चेहरे के रिंकल्स धकेलने हो, तो मन की प्रसन्नता बटोर के रखिए, मन की प्रसन्नता को बटोर के रखो। कहां से आरंभ होता है मन? मन श्रवण से आरंभ होता है, देखने से। जो सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है, कहा जा रहा है, यहां से मन बनता है। इसे सुनने से, देखने से, बोलने से, पढ़ने से। तो जो लिसनिंग है, स्पीकिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, इससे मन बनता है। वेद कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो सबसे पुरानी किताब है इस धरती की, और हम तो सब किताबों को पुराना मानना चाहते हैं, वो ज़ोरास्ट्रियन बुक हो, ज्यूइश बुक हो, क्रिश्चियंस बुक हो, वो प्यारी कुरान हो, आदरणीय बाइबल हो, या मेरा अत्यंत कल्याणकारी वेद हो, मैं उन सबको सैल्यूट करना चाहता हूं। उनमें चूंकि मैंने बहुत अधिक वेदों के आसपास जीवन जिया है, तो मैं वहां से कोट करता हूं। वो ये कहता है कि आप जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, यही आपका मन है। यहीं से कंट्रोल करो, यहीं से नियंत्रित करो, यहीं से इसकी आकृति ठीक हो। और आओ मैं आपको वो आपकी क्रिया पहली बताता हूं, जब आपके हाथ पकड़ लिए थे आपके शिक्षक ने, उपदेशक ने, शायद आपकी मां ने, कि ये आकार ठीक नहीं बन रहा है, ये जो पहला अंक बन रहा है ये ठीक नहीं है, तो आपके बहकते बिखरते असंतुलित और कांपते हाथों में जो कलम थी, वो जब आपसे चल नहीं पा रही थी कलम, आपको सहूर भी नहीं था कलम उठाने का, कागज पर कैसे पेन चले, कागज पर कैसे पेंसिल चले, और उस समय में तख्ती पर कैसे चले, चौक चले, कैसे चले स्लेट पर बत्ती, कि कैसे चले कागज पर कलम। और मैंने तो बचपन में तख्ती पर लिखा है मोटी कलम से, कैसे चले, जब कांप रहे थे हाथ आपके, जब आपको लिखना भी नहीं आता था, आपके आखर अक्षर आकृतियां आपकी रचनाएं आपको ठीक बनानी नहीं आती थी, तब अचानक उन्होंने कहा इसे साध कर चलो, इतनी इसमें इंक नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे साध लीजिए, और तब धीरे से आपको आ का या एक या जीरो बनाना आता था। आप ढंग से जीरो तक नहीं बना पाते थे, शून्य बनाना तो आता नहीं था, निर्मिति। उन्होंने कहा कि ऐसे बनेगा, इसका अर्थ है कोई वस्तु कैसे निर्मित होगी उसके लिए कोई एक शिक्षा है। अंक कैसा बनेगा, एक दो तीन, जब एक लिखेंगे तो कैसे बनेगा, वन टू थ्री कैसे बनेगा, वन वन की तरह से बनेगा, टू की तरह से नहीं बनेगा, थ्री फोर की तरह से नहीं बनेगा, फाइव सिक्स की तरह से नहीं बनेगा। अ का अलग आकार है और का अलग आकार है,
कि फिर साउंड कैसे आने चाहिए, उसको दिखना क्या चाहिए, उसका रूप क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसके गुण क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उससे क्या आभासित होगा, उससे क्या उपदेशित होगा, और उसके लिए क्या आप कल्पनाएं करेंगे। तो आज भी जब मैं ऐसे कुछ कल्पना करता हूं तो मुझे कुछ और कल्पना नहीं आती, मुझे अनार आता है, क्योंकि मैंने वही पढ़ा था पहले। और जब आज से कल्पना करता हूं तो कुछ दूसरा नहीं, आम आता है, कभी कभी मुझे इमली आती है, ऐनक आता है, कहां से मुझे अभी भी कबूतर और कागा याद आता है, कोयल याद नहीं आती जब मैं का की बात करता हूं तो। और अगर मैं पश्चिमात्य ढंग के चिंतन की बात करूं तो मुझे ऐसे अवधेश आनंद नहीं, एप्पल ही याद आता है, ए फॉर अवधेश आनंद नहीं हो सकता, मैंने तो पहले यह पढ़ा कि वो एप्पल है। मायने, मायने माने अर्थ। एक बहुत छोटी सी बात में बहुत विनम्रता पूर्वक बात कहना चाहता हूं, क्या जीवन के अर्थ हाथ लग गए हमें? एक, क्या सच में अर्थपूर्ण जीवन जी रहे हैं? दो, क्या हमें जीवन के लक्ष्य का पता लग गया है? तीन, और क्या लक्ष्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं? चार, क्या हम अपने उद्देश्यों को समर्पित हैं? क्या हम उसी दिशा में चल रहे हैं जिस दिशा में हमें चलना चाहिए? क्या सही लक्ष्य और सही उद्देश्य है? क्या वो रफ्तार वैसी है जिस रफ्तार से चलना चाहिए? और अगर आपकी वो स्पीड नहीं है जिस दिशा में आपको स्पीड रखनी चाहिए, अभी आपकी स्पीड बाहर बहुत है और भीतर में आपकी कोई स्पीड की तो बात छोड़ो, चले नहीं अभी आप। इतनी स्पीड जो बाहर है, उतनी स्पीड अगर अंदर हो, यही लोक और परलोक, यतो अभिद्य निःश्रेयस सिद्धि से धर्म निःश्रेयस। वेद ये कहता है कि दोनों ओर स्पीड रखनी होगी, यही लौकिक और पारलौकिक, दोनों जगह आपको अवेकनिंग रखनी होगी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुख आप कितने हैं और अंतर्मुख आप कितने हैं, ये आपकी स्पीड सही नहीं है, दोनों जगह जानकारियां नहीं है। पदार्थ को नकारने की बात नहीं कही, पदार्थ का सत्य जानो, पदार्थ का अर्थ जानो, उसमें कितनी प्रसन्नता है, यानी पूरी लाइफ झोंक दें, पता लगा कि पूरी लाइफ जिसे लगा दी जिसको पाने के लिए, वो चीज वो नहीं थी, वो चीज ही नहीं थी वो। इसलिए एक प्रयोग करने की बात मैं कह रहा था कि मन को स्वस्थ किया जाए, सुबह उठकर स्वस्थ बुद्धि के निश्चय देखे जाए कि उसने चयन क्या किया है। चयन में तो गड़बड़ नहीं होगी, चुनने में, तो जो आपकी चुनने की प्रक्रिया है कि क्या चुने, कैसे चुने, ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करती है कि आप कितने निर्णायक हैं जीवन के प्रति, निर्णायक आप कितना निश्चय कर पाते हैं, कितना सही निश्चय कर पाते हैं। और आपको ठीक निश्चय करना नहीं आता, निर्णय करना नहीं आता, चुनना नहीं आता, चयन करना नहीं आता, संग्रहण नहीं आता, उसका रक्षण नहीं आता, उसकी वृद्धि करनी नहीं आती, उसका पोषण करना नहीं आता, इसका अर्थ है लाइफ का प्रॉपर फॉलोअप अगर आपको नहीं आता तो कहीं चले और फिर उतना ही छोड़ता गया छोड़ता गया। एक फॉलोअप भी होना चाहिए लाइफ में कि जो पकड़ते जा रहे हैं क्या वो सही है, जहां पहुंचे थे वो सही है, प्रॉपर फॉलोअप होना चाहिए इन चीजों का, इनको ठीक इनके अर्थ निकालने चाहिए, नहीं तो कहीं ऐसा लगा कि हम फिर संग्रहालय के मालिक बनकर बैठे, लाइफ क्या एक म्यूजियम बना दिया और कुछ नहीं, उसमें कुछ कलेक्शन तो हो गई है चीजों की, लेकिन बस अब उसके मालिक बनकर बैठे। ये कोई पिछले साल की बात है, कोई मुझे बहुत पुराने मेरे परिचित मेरे मित्र सन्यासी मुझे मिल गए और उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा जो आपका तंत्र है साधुओं का और उसमें आप उनके प्रमुख हैं तो इसको परिभाषित कीजिए, ये क्या है। तो मैंने कहा भैया अभी तो मेरे समझ में ये आया कि मैं किसी बहुत बड़े संग्रहालय का मैनेजर हूं, पुरातन, मेरी पीठ के नाम के आगे जूना जोड़ा है, जूना माने पुराना, पुरातन पीठ है मेरी, जूना पुरानी चीजें सहेज के रख रहे हैं, संग्रह। और मैं जहां से मैंने बात आरंभ की, जो संभावनाएं जीवन की उनमें भटकाव न हो जाए,
इसलिए आसपास में सकारात्मक ऊर्जा का संचय करते रहना। आप सकारात्मक रहें, स्थिर रहें, स्वस्थ रहें, शांत रहें, व्यग्रता रहेगी, उत्तेजना रहेगी, आवेश रहेगा, लेकिन अगर आपको अपने आवेश पर नियंत्रण करना नहीं आता, जो आपका आवेश है, जो आप में उत्तेजना है, जो आप में विकलता है, व्याकुलता है, आप में जो चिंता, भय और उन्माद है, आप में जो अवसाद है, अगर इस पर आपको नियंत्रण करना नहीं आता तो हमारे ग्रंथ ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेंटल सिकनेस है, ये मानसिक बीमारी है, माने मानसिक कमजोरी, मानसिक दुर्बलता। अगर मान लो हम प्रसन्न ही नहीं हो पाए कभी, तो कैसी लाइफ हमने जी है कि हम प्रसन्न नहीं हो पाए, आनंदित नहीं हो पाए, चहक नहीं पाए, आह्लादित नहीं हुए, स्वयं के प्रति, स्वयं के होने का आनंद और गौरव और गर्व, स्वयं की सत्ता के प्रति एक भारी महिमान्वित भावना, एक उदात्त भावना, अपने होने का अर्थ ही नहीं पता हमें। अगर अपने होने का सुख नहीं है हमें और चीजों का सुख है, तो कितना बेमानी सुख है ये, कि हमें अपने होने का सुख नहीं है, हमें चीजों का सुख है, या अपने होने का हमें गौरव और गर्व नहीं है, अपने पर हमें प्राइड नहीं है, चीजों पर प्राइड है, और चीजों में भी आजकल तो ब्रांडेड चीजों पर, जो कि किसी ने ब्रांड बनाया है बड़ा, पहले ब्रांड बनाया गया, उसे भारी खर्चा किया गया, उसकी पब्लिसिटी की गई, उस पर खूब रुपया झोंक दिया गया, एक ब्रांड बनाकर और बड़ा तैयार कर दिया गया, एक लोगो, एक कोई सिक्का और एक कोई चिन्ह, और अगर वो चिन्ह है तो फिर देखिए, तो ब्रांड का विकास किया गया, पहले चर्चा की गई किसी एक चीज की, जब भी कभी की गई होगी किसी एक चीज की, वो सुगंध देने वाले पदार्थ हों, या भैया वो तन ढकने के पदार्थ हों, या वो समय देखने वाली घड़ी हो, या तेज दौड़ने वाली गाड़ी हो, चीजों का अगर मान लो सुख है और अपने होने का सुख नहीं है, चीजों के खो जाने का बहुत दुख है, चीजों के न रहने का बहुत गम है, और अपने से मिलने का कभी गम नहीं हुआ है, तो इसमें जो फर्क है उसे पाटा नहीं जा सकता, और आपके आंगन से हजार सन्यासी आकर भी दुख को खदेड़ नहीं सकते, वो चार मुंह का ब्रह्मा हो, पांच मुंह का शंकर हो, या वो सहस्त्र आनंद के विष्णु हो, आपके द्वार से दुख छीन नहीं सकते। इसलिए ये जो पहले यहां से भगाना पड़ेगा, कहां से भगाना पड़ेगा, दुख को अपने पास से, कैसे, जैसे दीप जलाते ही आप देखते हैं कि अंधकार भाग लेता है, ठीक वैसे तो जो आसपास में सकारात्मक ऊर्जा है उसे इकट्ठा किया जा सकता है। एक दूसरा विचार है, बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा मंगलकारी विचार है, उस पर ध्यान दीजिए, उसकी मैंने चर्चा पिछले सालों में भी की, वो ये कि हम आरंभ नहीं कर पाते, उत्सुक नहीं हो पाते, क्रम नहीं रह पाता, निरंतरता नहीं रह पाती, सातत्य नहीं रह पाता, हम जो कुछ अच्छा करते हैं वो छिन जाता है, उसमें अवरोध खड़ा होता है, वहीं बाधा आती है। तो हम बाधा कहां देखते हैं, चिंतन में, विचार में, मनन में, अच्छे श्रवण में, अच्छे अध्ययन में, ध्यान में, यहां बाधा देखते हैं। रुचि में कोई बाधा नहीं है, उसकी पूर्ति में हम जी जान से जुटे हैं, वहां बहुत बाधाएं नहीं है। खान पान में बाधाएं ज्यादा नहीं है, जो हम खाना पीना चाहते हैं उसके लिए हम जुट जाते हैं, जो हम पहनना चाहते हैं, यानी भोगने में तो कोई बाधा नहीं है, जो कुछ भी हम वस्तु पदार्थों के रूप में मन भोगना चाहता है, लेकिन बाधा कहां है, भोग के सत्य को जानने में, जो भोग का यथार्थ है उसे जानने में। फिर दो बातें हैं, ये कौन मना कर रहा है कि ये जो पदार्थ है भोगो मत, ये तो बात कही ही नहीं गई कभी भी, तेन तक्तिन भुंजी था मां गृध कस्पित धनम। बहुत पुरानी पुरानी जो किताबें हैं, जो पुरानी टीचिंग्स हैं, उनमें ये बात कही गई, भोगो नहीं, मना मत करो, और धन की तो पहली गति ये बताई। आप सुनकर आनंदित होंगे, शास्त्र कहते हैं कि अगर आपके पास धन है तो पहले दान मत देना ना, आपको पता नहीं है शास्त्र क्या कहता है, अगर धन है आपके पास तो पहले भोग, फिर दान, और तीसरा है नाश। ये धन की गति बताई शास्त्र, कहता है आपके पास चीजें तो भोगो, पर कैसे भोगें, तेन त्यक्तिन भुंजी था
मां गृधे कस्वित धनम, आपके पास अगर समय है तो उसका भोग करो, साधन है तो उसका भोग करो, पदार्थ है तो उसका भोग करो, लेकिन कैसे करें? त्याग पूर्वक, विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, संयम पूर्वक, यत्न पूर्वक। जोड़ा गया भोग कैसे करें? त्याग पूर्वक, विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक। जैसे मेरे पास कितना समय है अभी, अगर कोई टाइम मैनेजमेंट की बात चले तो कितना समय का भोग करना है, या समय किसके लिए, अगर समय को बांटें तो कितना समय, दिन भर का समय किस बात के लिए। तो पता लगा सुबह से लेकर शाम हो गई और आज की जिंदगी तमाम हो गई, तो परिणाम शून्य, जीरो प्रोडक्टिविटी, कुछ नहीं। एक डे कंप्लीट कर लिया, अब तारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब रात किए, और कुछ लोग तो बेचारे ऐसे कि रात में भी नींद मयस्सर नहीं उनको, तो सिरहाने रखी, फिर पिल और पानी, और फिर नींद की प्रतीक्षा। अच्छा रात बीत गई, हम बीत गए, अब सवेरा है, इतनी घबराहट। तीन शक्ति ने भुंजी था, नींद में भी एक आनंद है, नींद का अपने एक सुख है, आंखें खुलने का सुख है, जो भोग रहे हैं उसमें यत्न हो, क्योंकि बाधा वही है, अभ्यास में बाधा है, चिंतन में बाधा है, बाधा भोग में नहीं है, भोग के यथार्थ को जानने में बाधा है। इसलिए हमने बहुत पहले यह बात कही थी कि कोई मुझसे पूछे कि कठिन क्या है, तो मुझसे कोई पूछे सबसे कठिन क्या है, तो मैं कहना चाहूंगा सबसे कठिन है अच्छा आरंभ करना, और इससे अधिक कठिन कुछ नहीं है। कोई मुझसे पूछे कि कठिन क्या है, आरंभ करना कठिन है, लेकिन बहुत से लोग रोज शुरुआत करते हैं और सांझ को पता लगा पता नहीं क्या शुरू किया था, वो भूल भी गए, बात हमने शुरुआतें की हैं, पढ़ने की, लिखने की, बैठने की, ध्यान की, बहुत शुरुआत की है, तो कहां रह गए? तो कौन सा आरंभ? जिसका अंत हो वो आरंभ, और उसका अंत वो हो जिसमें उसका अंत अर्थ दे, तो वो आरंभ करना जिस आरंभ का अर्थ मिले।